आज का दोहा है, ज्ञानी आगे कहिए कहा, कह तक कबीर ल जाए, अंधे आगे नाच दे, कला अकारज जाए। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि आपको अपने लेवल के बंदे के साथ बात करनी चाहिए। देखो, अब कबीर जी क्यों लज्जा रहे थे, क्योंकि वो ज़्यादा ज्ञानी इंसान के साथ बात कर रहे थे, तो उन्हें शर्म आ रही थी कि कहीं वो कुछ गलत ना कहते, उनको ठेस ना पहुंच जाए। और अगर जैसा उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे आप किसी अंधे व्यक्ति के सामने नृत्य करेंगे, अपनी कला दिखाएंगे जो देखने के लिए है, तो क्या वो देख सकेगा? नहीं। तो आपकी कला क्या गई? व्यर्थ की, क्योंकि ना वो देख सकता है, ना वो आपकी प्रशंसा करेगा, ना ही उसमें से आपकी वो गलतियाँ बताएगा। कबीरदास जी इन दिस कपलेट नरेट्स दैट वन अ पर्सन शुड ओनली टॉक और मेक हिमसेल्फ अंडरस्टैंडेबल टू अ पर्सन हु इज हैज़ एन इक्वल इंटेलिजेंस लेवल। बिकॉज सी, कबीरदास वॉज अशेम्ड टॉकिंग टू समवन हु वॉज अ ज्ञानी। ज्ञानी मीन्स अ वेरी लिटरेट पर्सन, अ सेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन, और यू कैन सी समवन हु हैज़ द नॉलेज ऑफ the universe, the Vedas, okay. So, he was ashamed talking to such people because by mistake, if he would have spoken something really very bad or something which might have hurt them, so it will be bad, right? So, and he also gives an example that if you dance in front of a person who is blind, your dance is useless because he or she will never be able to understand your dance because he is blind. So keep that in mind. It will be a very great advice from Kabirdas ji. And that's all for today. Thank you.